छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर पर विलुप्त श्रेणी में आने वाले पेंगोलिन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गया। कंजर्वेशन केयर सोसाइटी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की नीतू गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन्य प्राणी पेंगोलिन को उड़ीसा के गाँव सरसोपदर में पकड़कर रखा गया है तथा उसे बेचने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद अमले ने खुद को ग्राहक बताकर डमरू भतरा को पेंगोलिन सहित पकड़ लिया, जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जिस पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कंजर्वेशन सोसाइटी की नीतू गुप्ता के को सूचना प्राप्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि धनपूंजी के आसपास पेंगोलिन का अवैध तस्करी होने वाला है। इसके तहत जो है पूरा एक संयुक्त टीम बनाया गया, जिसपे वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो जबलपुर की टीम के साथ, जगदलपुर पुलिस की टीम के साथ एक संयुक्त टीम के गठन कर उस पेंगुलिन को तस्करों से जो है पकड़ने में सफलता मिली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।